Terima kasih.
सरोज के लिए बॉल को थ्रो कर लिया गया है। सरोज चले वहां पर एक क्लियर गुड रिबल करके आगे बढ़ाने का प्रयास वहां पर अपने पास से बॉल को रखने की कोशिश गिराने का प्रयास अलग वाह रेड बॉल टको टीम के कैप्टन हैं और इनको जरूर बेहतरीन कैप्टेंसी की यहां पर निकल गया बॉल वाह बेहतरीन बॉल टॉप कॉर्नर में एक एक खिलाड़ी जरूर देखने को मिला हार्ड ऑफ टीम के खिलाड़ियों ने पलटा मनाने के लिए बॉल को सरका दिया गया फर्स्ट टाइम टच वहां पर लेकिन जर्सी नंबर 9 पे जो नॉवेल है उन तक बॉल थोड़ा सा उसकी दिशा में यहां पर पाल्टन मरांडी पुश करते तो मौका मिल सकता था लेकिन और थोड़ा सा वेट करना होगा यहां पर असल जो कि डिफेंस लाइन के सबसे बेहतर खिलाड़ी माने जाते हैं मूड ना झल्ले बहुत ही बेहतरीन डिफेंस नहीं और यहां पर मौका क्रॉस आया है लेकिन क्लास से लो यहां पर और ऐसे में जो एक अच्छा मौका बनता है कहां से निकल जाएगा बैक पास सही रणनीति सुशील के लिए लेकिन अशोक ये जहां पर रहेंगे डेविड जी बिल्कुल तो वहां पर थोड़ा मुश्किल होगा उसको और डिफेंस के स्पेशलिस्ट माना जाता है अपने टीम में से उसको हर बार उतारते हैं हर बड़े मुकाबले में उसका योगदान रहता भी है जैसे टू पॉइंट अवे खिलाड़ी अशोक अच्छा खेल खेल करना होता है आज ये मुकाबले में और एक गोल हो जाता है और ये मैदानी नतीजा आता है तो आज के दिन में ये पहला ऐसा मुकाबला हो जाएगा मैदानी गोल से नतीजा आना एक अच्छा मैच जो हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें देखने को मिलेगा हालांकि शुरुआती क्षण है और बहुत अच्छा खेल चल रहा है अब तक गोल की बराबर पर दोनों टीम है जेरोसी डिफेंडर के बारे में बात कर रहे थे अशोक वर्मा बहुत ही बेहतरीन अब तक उनका डिफेंडिंग रहा है जरूरत उनके जो अपने टीम है खादर मोटी जो टीम की यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं अमर कुमार मापा एक नए अंदाज में इसका खेलने का शैली ही अलग है खिलाड़ी बॉल पोजीशन से दबा दे रही है निर्णय की चला रहा है पास हो गया ठाकुर बंटी को झगड़ा करते हैं ना
डी बॉक्स के अंदर में दोनों टीम का यहां पर हैंडबॉल हुआ और
से ही गोल हुआ इस मुकाबले में। देखना होगा तीसरा गोल और अपने टीम की ओर से दूसरा गोल किस टीम की ओर से आएगा डीवीडी, ये देखना होता है। बिल्कुल यहाँ पर चूंकि आधा समय बीत चुका है खेल और शोर परिवर्तन तो दोनों टीम कोशिश करेंगे मैदान में खेल में ही हार जीत हो और ऐसा कोशिश है चूंकि जिस तरह से लास्ट ओवर में पेनाल्टी शूट आउट हुआ जो जिस तरह से टीम हारी है गोड्डा के तो कहीं ना कहीं शिशु प्रधान के पास अवसर था वो बढ़त में थे लेकिन यहाँ तो उन्हें हार का सामना करना था। निश्चित यहाँ पर जीत दर्ज कर पड़े और इसी बीच यहाँ पर मौका भी आता हुआ यहाँ पर अवसर है शॉट लेकिन इस दिशा में शॉट कहा जा रहा था। सुशील रंजन का शॉट यहाँ पर ऑफ टारगेट तो और जिस तरह अच्छा टेबल डिफेंस लाइन में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क कर रहे हैं थोड़े राइट को हाथ दबरे टीम की ओर से अच्छी डिफेंडिंग और बहुत बेहतरीन अग्रिम पंक्ति में एकमात्र खिलाड़ी स्ट्रेस भी है फिक्स नहीं है यहाँ पर बॉल आई थी बॉल पर लेकिन क्लियरेंस टच लाइन से बाहर अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिला था ईश्वर सब गवा दिया है खूबसूरत बीमार के पास गोल उसको करने का लेकिन अच्छी टिप्पी यहाँ पर एफसी ठाकुरगंज की टीम का कीपर का अच्छा टिप्पी यहाँ पर मिल सकता था थोड़ा सा अगर दिशा में परिवर्तन करते तो यहाँ पर गोल मिल सकता था हाथ डुबरिया का अच्छी शुरुआत आप बोल सकते हैं हाथ डुबरिया का और जरूरत भी है इस चुनौती में बने रहने के लिए इस नो आउट का सिस्टम में प्रत्येक मैच को देखना होगा तीन चार खिलाड़ी में से एक पलटन मारेंगे पलटन खेलने का नया अंदाज इसका हर खिलाड़ी से इसकी शैली की अगर बात करें तो अलग है और बहुत ही बेहतरीन इसके करते हैं पलटन के लिए भी अवसर था यहाँ पर गैप कर भी दिया था बिल्कुल लेकिन कोई खिलाड़ी का असिस्ट वहाँ मिला नहीं इसलिए कोई फायदा नहीं इसी बीच यहाँ पर आठ उम्र के खिलाड़ी तीन खिलाड़ी बीच में निकलने की कोशिश करते हैं पलटन काफी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर देखिए बार बार इस बार भी चकमा देते हो वाह क्या बात है प्रदीप बार बार चकमा खाते हैं सुशील रंजन के लिए बॉल है लेकिन है तो हाथ यार अशोक यहाँ मजबूती है यहाँ आयरन गेट है इससे आप नकार नहीं सकते बीमार एक बार फिर रन बनाते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे बॉल तक अच्छा गेम के यहाँ पर विमल का लेकिन और थोड़ा धीमी गति से वहाँ पर बॉल को थ्रू किया जाता तो मुझे लगता है विमल को मिल जाता अच्छे लाइन है और अच्छा मूव बनाते हुए नजर आ रहे हैं अग्रिम पंक्ति में इस तरह यहाँ पर सरोज मुर्मू दिखाई दे रहे हैं सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन से इनको असिस्ट करना होगा हाथ डुबरिया की ओर से बेहतरीन हेडर लेकिन बॉल जाएगी एफसी डुबरिया के पास अच्छा ड्रिबलिंग यहाँ पर बॉल पोजीशन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा बरकरार बॉल आया है अच्छा शॉट वहां पर रन बना चुकी है पलटन मरांडी इसको आप सस्ते में मत लीजिए इसके पास सुस्ती करेंगे तो बड़ा खामियाज आपको भुगतना पड़ सकता है क्रॉस आया है हेडर लगवा सकते हैं वहां पर अभी भी नोएल के पास स्पेस है क्लोज रेंज की तरह शॉट जब लगाया था लेकिन बॉल जाएगी साइड नेट की अच्छा अटेम्प्ट है अभी देखिए एक मिला बहुत आक्रामक अटैकिंग यहां पर खेल लेकिन शॉट तो जरूर जब गया था दिशा लुक शॉट और टारगेट शॉट थे और जिस तरह से पलटन के बारे में बात कर रहे हैं ये खिलाड़ी कमाल के हैं शॉट में डिस्टेंस से करते अच्छा पास देते हैं शॉट अच्छा लगाते हैं लेकिन इस बार फिर से पलटन आते हुए उनको मोड़ दिया है लेकिन इस बार और एक बार पलटन के पास मौका पीछे से छुपाया है अच्छी पास बॉल को क्रॉस किया है फ्लैग हवा में उठा है इसलिए ये और ये आपको समझ नहीं आता है पिछले मैच में कोई कई ऑडियंस ने सुना कि जब खिलाड़ी वो देर के बाद उसको ऑफसाइड का करा दिया जाता था जब तक कि वो ऑफसाइड का लाभ नहीं लेते हैं जब तक वो आपके क्षेत्र में रहकर भी बॉल को जब तक वो नहीं छूते हैं तब तक ऑफसाइड उनको नहीं करा दिया जाता है
यही सटीक निर्णय देखने को मिल रहा है निर्णय का। देखिए बीच के जो खिलाड़ी हैं जो मिडफील्डर्स हैं तो होना चाहिए कि बॉल को थोड़ा सा रखा जाए गैप बनाया जाए तो कहीं ना कहीं हाथ टुकड़े को कभी नहीं रहे इसीलिए देखिए एक गोलकीपर और फॉरवर्ड के जो खिलाड़ी हैं ठाकुर गति को बहुत रफ्तार है बहुत गति उत्पान वाले हैं तो इसीलिए इसके पास बार बार मौका आता है उससे पहले बोल सके अच्छी पास पलटन के लिए पलटन अपने पास बल को रखते हुए चलाया है कुछ देर तो रखा है इसीलिए अच्छी पास वहाँ पर मौका है एक बार उसे फिर से कोशिश किया लेकिन इस बार कॉर्नर ही सही मौका तो मिला है बहुत ही बेहतरीन नाटक ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है एफसी ठाकुर रंडी की तरफ से राजेंद्र डिफेंस लाइन काफी कमजोर है इसी बीच गोलकीपर देखिए क्या बात है कोई मौका सेकंड प्लेयर को मौका ही नहीं दिया किसी तरह का कोई गुंजाइश ही बचा सीधे मैग्नेटिक उसको कलेक्शन कर सकते हैं सीधे हाथ में जैसे चुंबक को बॉल बिल्कुल हिली नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ पर लॉयल थे जो देखिए सुशील बंजाल नोया पल पल इस खिलाड़ी का कला कौशल को देखें अगर बारिश किसे देखें कोई अगर इसको रॉन्ग टैकल कर रहा होता तो वो खुद बच जाते हैं पलटन मरांडी इसका नाम है बाएं फ्लैंक से स्पेस बनाते हुए शॉट के लिए लेकिन दो दो खिलाड़ी जरा उसको वो टैकल किया गया तो बहुत बड़ी शराब है लेकिन बहुत ही बेहतरीन सुशील रंजन के द्वारा सुशील रंजन बहुत देर तक बॉल को होल्ड करके पास निकाल दिया है वहां पर अच्छा अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है यहां पर पूरी तरह से समेट करके रख दिया है राजेंद्र खाटुमरिया को और मुझे लगता है कि जो हाफ के खिलाड़ी है जो मिडफील्डर है कहीं भी नजर नहीं आ रहे इसीलिए सुशील रंजन के लिए अच्छा जी किसी तरह यहाँ पर खिलाड़ी थे जरूर थे एक ही शॉट होने वाला था दोनों खिलाड़ी समेत उस मिनट के लिए यहाँ पर हाफ करके रखा गया है लेकिन उस तरह का पावरफुल शॉट को नहीं लगाया क्योंकि गोलकीपर आपका शॉट से प्रभावित हो पाए देखिए अशोक का गलती यहाँ पर हैडर किसी तरह ये खिलाड़ी लास्ट टाइम को मौका मिला था गोल करने का लेकिन नहीं गोल कर पाए थे कीपर का क्या जाता हुआ यहाँ पर प्ले एरिया के अन्य अंदर थोड़ा सा छोटा करते हुए एफसी ठाकुर रंडी इसमें कई टीम को हमने गोल उठाते हुए देखा है और जो अतिथि के लिए जो मंच बना हुआ है पश्चिमी छोर पर बिल्कुल वहां से सारे लोग खाली कर दें जो आप आमंत्रित नहीं है और वॉलंटियर से भी निवेदन है कि इस मंच को खाली करवाएं क्योंकि हमारे अतिथि लोग अब आने वाले हैं गणमान्य लोगों का
आल होने की सूचना हो गई है, इसलिए उस मंच को बिल्कुल खाली कर दिया जाए। प्रदीप काफी मेहनत कर रहा है जैसे साथ पहले वाले मुझे की तरफ से ये हेडिंग को रेलेक्ट कर रहा है। आपको सुनकर भी पीछे देखे तुरंत वो बैक पोजीशन से पीछे आते हुए जी बिल्कुल लोगों को चाहिए भी आदम दोनों लाइन के यहाँ पर अठहर का मोर्चा को संभाल आए तो अच्छी बात है। पालतन के पास स्पेस है डिशियस सुना जा रहा सेकंड पोस्ट के टॉप कॉर्नर में नहीं लगी बॉल पोस्ट में। पालतन अपने आप से नाराज होंगे उनको लगा कि और थोड़ा सा अच्छा शॉट लगा था कीपर काफी दूर में थे। अमर कुमार महतो का शॉट इस बार गोल लाइन से बाहर ले लीजिए कॉर्नर पिच लेने का मौका। एक लंबी पारी खेली है फुटबॉल में दो नंबर टिकल काउंटर में जो भी हम लोग को ड्यूटी मिली थी आपको यहाँ कमी थी जो बॉक्स है यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। माइक्रोफोन बूथ है वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। दो नंबर जो एंट्री गेट है यहाँ पर जो भी लोग हैं आप लोग यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक सब्स्टिट्यूशन की तैयारी यहाँ पर एफसी डोमिया की तरफ से सरोज के बदले में अविस्टीफन बाबू को पीस कर सकने की तैयारी। और चाहिए आप मुझे लगता है कितने खिलाड़ी उसके पास है उसको पीच पे उतारना ही होगा। लेकिन अच्छी बात दोनों टीम्स के लिए कि एक एक की बराबरी पर है। यहाँ पर एफसी ठाकुर एंटी की तरफ से भी सब्स्टिट्यूशन होना है 12 के बदले में 10 सुनील हेमराम के बदले में अब उतारा जाएगा 10 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी। लेकिन उसका जो प्लेयर लिस्ट है यहाँ जो उपलब्ध है दोनों के पास उसमें मेंशन नहीं किया गया है इस खिलाड़ी का नाम क्या है। और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग चाहिए यहाँ पर सुप्रिया को इस तरह के खेल की आवश्यकता उनको बहुत ज्यादा। और जो कुछ भी करना है इस हाफ में कर लीजिए समय धीरे धीरे घट जाएगा। तो आज जितने भी मुकाबले यहाँ पर खेले गए डिविजन तो सभी मैच का जो रिजल्ट आया है वो टाई ब्रेकर से ही आया है। इस मुकाबले में क्या लगता है ये खेल भी कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर की तरफ हो जाता है हमें प्रतीत होता है क्योंकि दोनों का एक एक की बराबरी है अभी तो गोल लगा आया है समय तो आधा समय गुजर चुका ही होगा तो पहले तक के हमें ज्यादा जो संभावना है वो टाई ब्रेकर ही रहता है। ये भी गोल निकल है पाल्टन नाम का फर्स्ट टाइम कहा जाता है वो नोएल के लिए लेकिन नोएल वहां पर बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा पास बेहतरीन ऋषि और जरूरत है अमर कुमार का वहां पर चैलेंज आता है सुशील रंजन के लिए। 12 नंबर जैसे स्वयं अपने ही गलतियों का खामियाजा वो भुगतता हुआ क्या जो था उसको पीछे को पास देने का प्रयास हुआ था कोशिश करनी चाहिए इस बार शॉट जमीन से एक दिशा में शॉट तो कहीं ना कहीं वही बार बार ये वो डिफेंस लाइन अपना काम मिला करके हाथ टुकड़े का कर ही रहे लेकिन जो मिडफील्डर के खिलाड़ी है गोल भी कर देना चाहिए वो है ही नहीं बॉल पास दे दे रहे बस हमारे दल से जो आगे हिट किया जा रहा है जो कि अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच नहीं रहा उससे बचा। और यह फॉर्मेशन को देखिए अग्रिम पंक्ति में मात्र 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं हंडोपिया की तरफ से और वो मुझे लगता है कि यहाँ से और कोई गलती नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उतना बेहतरीन डिफेंडर नहीं है पाल्टन मरान भी है वहाँ पर क्लोज रेंज की तरफ जाएंगे। बहुत देर तक बॉल को होल्ड किया और बैक पास भी निकाला सुशील रंजन के लिए जितना दो दो खिलाड़ी उनके पास जैसे तैसे करके बॉल को निकालने का प्रयास लेकिन पाल्टन मरान भी वहाँ पर पहले से है खतरा अभी भी टला नहीं है लेकिन इस बार जो खतरा बना था वो खतरा आसानी से टल गया है एफसी पाल्टन के लिए। प्रेम बेहतरीन रन
इस मैच की शुरुआत में बहुत कम समय है
इसलिए अपनी टीम के खिलाड़ियों को तैयार बिल्कुल माया गए भगवान बचा समय में काफी हो चला है और अभी तक गोल नहीं आया है पलटन लेकिन काफी दान देनी होगी अगर उसको फ्री एक मौका दिया जाता उसको अगर रिजर्व पर रखा जाता गोल करने के लिए राजा तो शायद अभी तक हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता लेकिन वो स्वयं बहुत मेहनत कर रहे हैं गोल पास कर रहे हैं इसलिए कि चकमा दिया है नो नो पर हाल नोएल पर हाल भी गिरा है खिलाड़ी और सौ गोल का मौका हमें मिलता होगा काफी मिलते हैं पहला बॉल टूर्नामेंट की तरफ से मिशन समय तैयार बहुत सुंदर अनिल मोहन जो सब्स्टिट्यूट के रूप में अंदर आए थे ये पहला बॉल है ये बॉल देखा वाह ये बचा लिया ये नोएल है ऐसा नोएल ठाकुर जी से ये भी शार्प शूटर है दमदार शॉट के लिए जाने आते हैं खिलाड़ी एक बार मौका भी उसे मिला था गोल करने के लिए ग्राउंड बॉल लेकिन उन्होंने कारनामा नहीं किया था देखना है कि उस कर्कश को पूरा करते हैं देखें दोनों बॉल गोलकीपर के दाहिने तरफ ही घुसी है बिमल कभी भी दिल्ली दूर है इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता दूसरा कॉल देखिए इस बार पूरा जमीनी शॉट यहाँ पर गोलकीपर के रूप में तीसरा बॉल हिट करने में जाता है और राजेंद्र जी ऐसे तो कई मैदान में हम उसे गोलकीपिंग करते हुए भी देखे हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में जब भी पेनल्टी शूट आउट होती है या टाई ब्रेकर होता है और अच्छा गोल कीपिंग करते हैं देखना है कि ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जिम्मेदारी ज्यादा है देखिए कितनी तक ही सीमित नहीं है ये कई बार अपनी टीम को जिताए भी है बिल्कुल शायद टीम के लिए लकी हो ये एक रणनीति का हिस्सा भी होता है जब टीम पिछड़ती है तो अपने गोलकीपर को बदलते हैं यहाँ देखना होगा ये अगर गोल हुआ तो टीम में दो दो की बराबरी है एक दो की क्योंकि देखिए इस वक्त की जाते ही यहाँ पर बन गई है दुपरिया की टीम को और ये तो जो वापसी गोल की अपेक्षा करते हैं खेल के दौरान पेनाल्टी जो गोल था देखिए यहाँ कितने गोल है सही समय पर गए थे लेकिन ढीला
नहीं होगा या माने बिल्कुल विकास थोड़ा तगड़ा सुन लेना चाहिए था अब अगर मैं तो आया टीम कैप्टन ठाकुर गंती का डिफेंस की पोजीशन से खेल रहे थे और एक लंबा अनुभव उसके पास सामने अशोक है कहीं ये चौथा बोल है और जितने भी स्ट्राइकर हैं एक ही दिशा में शॉट लगा रहे हैं एमसी ठाकुर गंती की तरफ ये तीन बॉल उसी क्षेत्र में अंदर आई है यहाँ पर आखिरी उम्मीद के रूप में यहाँ पर दसवें सत्र को भेजा गया है विकास अगर वो गोल करते तो यहाँ पर किसी चीज दूसरा कुछ नहीं रहता बराबरी होता है और संभावना को जीवंत भी किया जा सकता था मौका मिला था वापसी करने के लिए संभालने के लिए लेकिन देखना होगा सत्र क्या करता है नरेश एक बार बहुत सत्र कर रहा है बहुत ही बेहतरीन सा इसी तरह का शॉट की आवश्यकता एमसी डोबरिया को लेकिन इससे पहले के दो जो शॉट थे खास करके जो टीम के कैप्टन गए वो उनका शॉट उतना पावरफुल नहीं था चार में दो एफसी डुमरिया जबकि चार में तीन एफसी ठाकुर गंती यहाँ पर आखिरी बॉल को शॉट करने के लिए मतलब ये जीता हुआ बॉल को शॉट करने के लिए खिलाड़ी से जाता है अब यहाँ पर गोल होगा या नहीं होगा और बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है इस बार क्या होगा नहीं होगा अशोक यहाँ पर सोचते हुए बोल रहे हालांकि उसके तरफ से एक सेव आया नहीं है लेकिन उसके रहते और बाहर चले गए थे निकल गए एक तरह से कहें तो उनका उसका भी श्रेय आप अशोक को ही दीजिए मिलना चाहिए अशोक को और देखिए क्या हो रहा है प्रत्येक शॉट यहाँ से मिल रहा है गोल हुआ तो यही पर विनिंग टीम बन जाएगी एफसी ठाकुर चले खिलाड़ी जैसे पांच और ये देखिए क्या चकमा वाला शॉट था दाहिने तरफ खिलाड़ी मेरे और शॉट क्या कर रहा रोक लो तो जीते हाँ भाई